हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो राइट्स लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 13.2 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न पीएसयू है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट है क्वालिटी इंजीनियर बिल्डिंग के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंजीनियर रोड के लिए, जिसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो और उसके साथ अगर आप लोग के पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी इंजीनियर वाटर सप्लाई के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंजीनियर ब्रिज के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर वाटर सप्लाई के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, रेलवे, मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर सोर प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 7 इयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहीं पे सेम है। और लास्ट है सेफ्टी इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी में से डिग्री या तो डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके बीटेक और डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और अगर आप लोग SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिग्री एंड डिप्लोमा में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD EWS एक्स सर्विसमैन और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद जॉइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आप लोग इनिशियली 1 ईयर के लिए हायर किया जाएगा, और उस 1 साल में आप लोग का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए आप लोग का पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल स्टीसी 13.2 लाख पर एनम मिल जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और सेफ्टी इंजीनियर के लिए आप लोग का पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 10.7 लाख पर एनम मिल जाएगी। और क्वालिटी इंजीनियर के लिए आप लोग का सीटीसी आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, इसका टेबल यहीं पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इंटरव्यू का जो वेन्यू है उसका टाइटल से भी मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 2nd July 2023। कॉल लेटर आउट होगा 3rd July 2023 पे, और इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 11th July 2023 पे। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।